अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां पर वहां कहा जा रहा है, चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा ऐसा भाषण करता है, और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के पास, क्या सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लफ्ज जिहाद का नाम लेने की वजह से महाराष्ट्र के एक एक जिले में रोजाना सकल हिंदू समाज का मोर्चा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे पॉइंट बाय इंफॉर्मेशन पे बोलने दिया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये हाउस जो है ये एक पंचायत घर है, 288 इलाकों के लोग अपने अपने मसले लेकर आते हैं और यहाँ पर इंसाफ मिलता है। अध्यक्ष, सत्य में जयते सत्य की जीत होती है। अध्यक्ष, ये हाउस प्रोसीजर से चलता है, हमने एक हक भंग डाला है। मैं मांग करता हूँ कि उस हक भंग को क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसको क्यों रोका गया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक जीआर महिला बाल कल्याण का निकाला है, इंटरफेथ मैरिज। अध्यक्ष महोदय, उसकी कमेटी बनाई गई है, बाल कल्याण कमेटी बनाई गई है उसमें, और अध्यक्ष महोदय, हमने उसमें एक इंफॉर्मेशन मांगा, दिसंबर से बनी कमेटी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी हाउस के अंदर मंत्री महोदय कहते हैं कि 1 लाख लफ्ज जिहाद हुआ है। जब मंत्री बोलते हैं ना तो पूरा देश सुनता है, और सुनने के बाद वो लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनका खून खोलता है, वो सड़क पर उतरते हैं, उसके खिलाफ चिल्लाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बाल कल्याण विभाग मंत्री के कमिश्नर से जवाब मांगा, तो पूरे 5 महीने में अध्यक्ष महोदय, 0, 1 भी कंप्लेन नहीं है, मेरे पास जवाब है ये। और यहाँ पर मंत्री महोदय कहते हैं 1 लाख केस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बात करने से लोगों के अंदर वो हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूँ, ये गलत चीज है, ये परंपरा बंद होना चाहिए जो इस तरह से बातें करते हैं लोग। अध्यक्ष महोदय, क्या इस हाउस में सच्चाई बयान करना मना है? क्या ये हमेशा ऐसे करते हैं लोग? अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च 2023 को हिंदू जन जागरण मोर्चा बगैर पुलिस के परमिशन के भड़काऊ भाषण किया। अध्यक्ष महोदय, इस सभा के बाद, और अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अबू आजमी जी वारंवार सभागृह मध्ये चुकीचे विषय काढता आहेत। बोला। महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लफ्ज जिहाद का नाम लेने की वजह से महाराष्ट्र के एक एक जिले में रोजाना सकल हिंदू समाज का मोर्चा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां कहा जा रहा है, चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा ऐसा भाषण करता है, और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के पास, क्या सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, ऐसा मंत्री जो गलत बयान करता है उसका हमारा हक भंग लाया जाए, और मंत्री पर हटाया जाए ऐसे लोगों को जो लोग नफरत फैलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, झूठ नहीं चलेगा, माफी मांगो आकर के, हाथ जोड़ करके माफी मांगो इस हाउस में आकर के, एक मंत्री होकर के इस तरह की बात करे, नफरत फैलाए, और पूरे महाराष्ट्र के जो हिंदू समाज के लोग हैं उसे सच्चा समझ करके सड़क पर उतर की बात करे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री से बोलिए इस पे जवाब दें आकर के कि ऐसी गलत चीजें कैसे आई, और हक मांगो तुरंत लागू करना। अध्यक्ष महोदय, नाना नाना